आप सब खैरियत से होंगे और हिफ्ज़ अमान में होंगे। आपकी खैरियत के लिए दुआगू हूँ मैं। ये कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर है जो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीक में। फ़र्स्ट लेक्चर आपको मिला था फ्राइडे को और अभी हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह एक नज़र हम अपने पिछले काम पे भी डालेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है, और उसकी एक छोटी सी रफ सी डेफिनेशन मैंने आपको दी थी कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस रॉ डेटा इनपुट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट एंड आल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर लेटर यूज़। ये एक रफ सी डेफिनेशन है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, किसे कहते हैं, कंप्यूटर की कुछ आपको दिखाई थी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर के, ये हैं पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट पीसी, ठीक है, स्मार्टफोन्स एंड पर्सनल कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर बेसिक्स, तो इसमें टॉपिक है डेटा इंफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स अनप्रोसेस्ड आइटम इज नोन एज डेटा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज डेटा, डेटा इज अनप्रोसेस्ड आइटम, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ होता है, ऐसी चीज़ जो प्रोसेस में नहीं होती, एक रॉ फॉर्म में होती है आपके पास, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ मीनिंगफुल डेटा ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाई पीपल। आपको क्या बताया गया है कि डेटा क्या होता है, डेटा इज अनप्रोसेस्ड आइटम। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस की भी, ऑडियो और वीडियो भी, जिसके ऊपर कोई भी काम ना हुआ हो, ऐसी चीज़ जो हम कंप्यूटर को कमांड देने वाले हों। कुछ चीज़ आपने टाइप की, ठीक है, जब आप वर्ड में जाके एक चीज़ को टाइप करते हैं, ऑब्वियसली आपने लेटर टाइप करना है ऑफिशियल, तो आपने हेडर को भी देखना है, फुटर को भी देखना है, आपने टाइपिंग देखनी है, आपने फॉन्ट्स को, साइज़ को देखना है, आपने उसकी थोड़ा सा अल्फाबेट्स को देखना है, फॉन्ट्स जो हैं आपके फॉन्ट स्टाइल को देखना है, अल्फाबेट्स जो हैं आपके अपर केस में है, लोअर केस में है, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद वो जब उस डेटा के ऊपर काम होता है, प्रोसेस में आता है, तो जो आउटपुट आपको थ्रू प्रिंटर वो देता है कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। उस डेटा के ऊपर प्रोसेस हो गया ना, आपने इनपुट दिया, उसने कंप्यूटर ने आपको आउटपुट दिया, तो वो क्या हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन दी कंप्यूटर ने। इन्फॉर्मेशन इज़ बेसिकली मीनिंगफुल डेटा, यानी इन्फॉर्मेशन वही चीज़ कहलाती है कि आपने जस्ट वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स टाइप किए, सही, जब आप लिख रहे थे तो कंप्यूटर को तो ए से जी तक आप लिख दें तो कंप्यूटर तो नहीं जानता कि आप क्या लिख रहे हैं, जब आप उसको प्रॉपर स्पेलिंग्स, प्रॉपर हेडर, फुटर और प्रॉपर माइनर डिटेल्स के साथ आप वो लेटर टाइप करके फिर आपने उसे प्रिंटर की जब कमांड दे दी, तो प्रिंटर के थ्रू जब वो चीज़ निकल आई, तो आपने इनपुट दिया, डेटा आपको आउटपुट मिला, ठीक है। आउटपुट किस शक्ल में मिला, आपको हार्डवेयर की शेप में उसने दे दिया। प्रोसेसिंग इज एन एक्शन इन विच कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, एक एक्शन होता है जो थ्रू कंप्यूटर कन्वर्ट होता है, आप एक चीज़ देते हैं इंफॉर्मेशन, आप डेटा देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन की सूरत में आपको रिटर्न करता है। प्रोसेसिंग, ये देखिए क्या है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं इक्वल टू 417, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम मार्क्स हैं 500, परसेंटेज है 83.4% एंड ग्रेड ए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपने दी कंप्यूटर को, और उसने ये सारा यानी डेटा आपने दिया उसको, उसने प्रोसेस किया और आपको, देखिए यहाँ पर दिया गया है फैसल टाउन लाहौर, अब्दुल हनान शाहीन
मैथ्स मार्क्स इक्वल टू 90, उर्दू मार्क्स इक्वल टू 80, इंग्लिश मार्क्स इक्वल टू 70, कंप्यूटर मार्क्स इक्वल 85, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़ मार्क्स हैं 92। ठीक है, जब आपने ये डेटा दिया कंप्यूटर को, उसने प्रोसेस करके आपको टोटल मार्क्स बताए कि 500 में से उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 470। परसेंटेज उसकी क्या है, 83.4%, और ग्रेड उसका है ए। ठीक है, डेटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन बाय अ कंप्यूटर। इन दिस एग्जांपल स्टूडेंट्स नेम एड्रेस सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट रिप्रेजेंट डेटा। द कंप्यूटर प्रोसेसेस दिस डेटा एंड रिटर्न इट इनटू इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। इसमें वो आपको बता रहे हैं कि आपने कंप्यूटर को डेटा दिया, उसने प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में से कन्वर्ट किया, और आपको प्रिंट आउट करके एक क्या चीज़ मिली, इन्फॉर्मेशन। जितना आपने डेटा उसको दिया था, उस डेटे के हिसाब से उसने उसको प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन दी मैरिट सर्टिफिकेट की सूरत में। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। देर आर सेवरल एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। तो हम देखते हैं कि दूसरे पेज पे क्या डिस्कस किया है इन्होंने। स्पीड फर्स्ट सब टॉपिक है, स्पीड। स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऑफ अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, स्पीड का आपको बताया है कि जितनी देर में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें बहुत कम भी हो तो मिनिमम हमें 15 मिनट्स तो इस पर लगेंगे, या बहुत भी अगर कम हो तो 5 to 7 मिनट्स तो डेफिनेटली लगेंगे। लेकिन जब आप ये कमांड देते हैं कंप्यूटर को, तो वो विद इन सेकेंड्स इसे कैलकुलेट करके आपको इन्फॉर्मेशन यानी उसका आंसर आपको दे देता है। तो स्पीड इसकी बहुत हाई है। द स्टूडेंट्स विल टेक फ्यू मिनट्स टू सॉल्व इट, बट अ कंप्यूटर कैन सॉल्व मिलियंस ऑफ सच प्रॉब्लम्स इन लेस देन अ सेकेंड। यानी वो सेकेंड से भी कम टाइम में आपको इसका आंसर दे देगा। एक्यूरेसी, कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट एंड इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स। इन द अबव एग्जाम्पल देर इज अ चांस दैट द स्टूडेंट्स कैन मेक एरर्स वाइल सॉल्विंग इट, बट अ कंप्यूटर नेवर डज शो। कंप्यूटर गिव्स रॉन्ग रिजल्ट ओनली वेन डिफेक्टिव डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। ठीक है, यहाँ आपको ये बताया गया कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो मशीन है। सही, सिवाय उस सूरत में कि जब आप उसको रॉन्ग डेटा देते हैं, कोई डिफेक्टिव डेटा या इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती हैं, तो ऑब्वियसली उसका जवाब वो आपको गलत ही देगा। सही, तो ये आज के हमारे दो टॉपिक्स थे। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और सेकंड में एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स थे इस टॉपिक में। आप इसके ऊपर खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर नहीं तो सेलफोन तो सबके पास है। आपके सेलफोन में भी कैलकुलेटर होता है, आप डिफरेंट कमांड्स दें उसको और देखें कि आप कितनी देर में पर्सनली रफ कॉपी के ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करते हैं, और आप उस टाइम को नोट कीजिएगा, और फिर आप वही कमांड कैलकुलेटर को दें, तो आप नोट करें कि दोनों में कितना टाइम का डिफरेंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।